कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आप कंफर्टेबल है ना? वहां पर कोई इशू नहीं है आपका? मैं कह कंफर्टेबल है ना वहां पर? आप कंफर्टेबल हैं? आप कंफर्टेबल हैं वहां पर? अभी अच्छा, अभी अभी शायद अभी अभी शायद पोलैंड भेजने का कुछ चल रहा है आप लोगों का। गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था कर रही है, और आपको जो भी कुछ लगे आपको हम लोगों के लायक तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर दीजिए। हम लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे और सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे, ठीक है? मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, ओके। मैं डॉक्टर संदीप खरे, मेरा बेटा वेदांश खरे इवानो फ्रेंकस यूनिवर्सिटी में मैं MBBS कर रहा है यूक्रेन में, जो कि आज सागर कलेक्टर महोदय के द्वारा उससे संपर्क किया गया, बातचीत की गई, और उसने कलेक्टर महोदय को अपने पूरे सुरक्षा के बारे में बताया। सब बच्चे सुरक्षित हैं और कलेक्टर महोदय के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि बच्चे को सुरक्षित केंद्र सरकार के द्वारा भारत लाया जाएगा। और बच्चा अभी ऐसा मुझे विदित हुआ है, बच्चे के द्वारा बताया गया है कि वो पोलैंड निकलने वाला है 2 घंटे बाद। बच्चे की पूरी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और बहुत अच्छा प्रयास है, और बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित भारत लाने के पूरे प्रयास अदर कंट्रीज के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, इनके द्वारा, और भारत एम्बेसी ने भी बच्चों को इनके एम्बेसी के फोन नंबर उपलब्ध कराए हैं। बच्चों ने वहां कांटेक्ट किया है और बच्चों को वहां से आश्वासन मिला है और बच्चे वहां से सुरक्षित निकल रहे हैं। हम भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के और हमारे सागर जिले के कलेक्टर महोदय दीपक आर्य जी के बहुत आभारी हैं कि प्रशासन, शासन और केंद्र शासन तीनों मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। सागर से श्री वेदांश जी हैं, जो कि यूक्रेन में हैं। अभी मेरी उनसे चर्चा हुई, वो सकुशल हैं और उनके जो शासन ने जो योजना बनाई है कि उनको बस के द्वारा पोलैंड भेजा जाएगा, तो अभी वो कैंप में ही थे और कुछ ही देर बाद जब मेरी बात हुई थी, उस समय लगभग 10:30 बजे का समय था, तो 11-11:30 बजे का समय था जबकि वो बस वहाँ से पोलैंड रवाना होगी, और वो वहाँ पहुँचने के बाद फिर उनको इंडिया वापस लाया जाएगा। अभी वो जब उनसे बात हुई तब अच्छी स्थिति में थे, स्वास्थ्य भी उनका ठीक था, सारी चीज़ें बिल्कुल सकुशल थे, और जैसे ही वो आएंगे